तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और कमाल की एप्लीकेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँ दोस्तों, मैं सुबह मैंने एक एप्लीकेशन डाला मैक्स कीवर्ड करके, ये एप्लीकेशन भी जबरदस्त एप्लीकेशन है, इसमें भी वर्क करिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक उस एप्लीकेशन में वर्क नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। सिंपली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को पूरा टास्क समझ लेके उसके बाद आप इस एप्लीकेशन में भी वर्क करिए दोस्तों, ठीक है। जो जो भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ वो वर्क करिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम चलने वाला है, कुछ पॉकेट मनी तो आपको हो जाएगा, घर बैठे बैठे क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री करके इस एप्लीकेशन का नाम है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। वहां से डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है दोस्तों। दोस्तों जैसे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है, साइन अप कर लेने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको यूजर नेम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, रेफरल कोड है, रेफरल कोड तो आप जानते होंगे 2233 44, ये मेरा यूनिक रेफर कोड है, जो भी मेरे टीम में ज्वाइन होना चाहते तो हो जाइए, जिसको भी पेमेंट नहीं मिलेगा पेमेंट दिलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड डाल के उसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे इस एप्लीकेशन में आप रजिस्टर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जैसे एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको टास्क कैसे कंप्लीट करना है और रिडीम कैसे लगाना है सिंपली दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऊपर थ्री लाइन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं थ्री लाइन, उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टास्क मिल रहा है, वॉलेट मिल रहा है, पेटीएम रिक्वेस्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको। सबसे पहले आपको टास्क दिखा देता हूँ आपको टास्क कैसे कंप्लीट करना है। सिंपली आपको टास्क वाले सेक्शन में चले जाना है। टास्क वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली के यहाँ पर 6 टास्क मिलेंगे, ठीक है, टास्क 1 टास्क 2 करके। सबसे पहले आपको टास्क 1 में दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 15 इंप्रेशन और एक क्लिक मिला है मेरे को, ठीक है। तो मैं इंप्रेशन कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ कि कौन से ऐड पे आपको क्लिक करना है, फुल स्क्रीन ऐड पे क्लिक करना है या बैनर ऐड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर 7 सेकंड का टाइमर चलेगा, यहाँ पर नीचे मैसेज देख सकते हैं 5 सेकंड का टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंप्रेशन कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है दोस्तों, 1 मिनट। तो यहाँ पर नीचे मैसेज आ गया इंप्रेशन कंप्लीट करके, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस इंप्रेशन 1 करके हो चुका है। तो मैं फटाफट 15 इंप्रेशन कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लिक कैसे करना है दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 15 इंप्रेशन कंप्लीट हो चुके। तो यहाँ पर अभी क्लिक करने के लिए पूछेगा, तो सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे प्लीज क्लिक एंड ऐड एंड वेट फॉर 20 सेकंड बोल रहा है, तो मैं इस ऐड को क्लिक कर देता हूँ और 20 सेकंड वेट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो 20 सेकंड वेट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, तो थोड़ा वीडियो को मैं स्किप कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 सेकंड वेट करने के बाद आपको बैक जाके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो मेरा ऐड है मेरा लोड नहीं हुआ है पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन टाइम आउट हो गया है। तो यहाँ पर मेरा पूरा ऐड लोड नहीं हुआ है, तो मैं देखता हूँ मेरा टास्क सक्सेस होता है कि नहीं। सिंपली मैं बैक जाता हूँ, मैंने 20 सेकंड वेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, देखते हैं मेरा टास्क सक्सेस होता है कि नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ऐड जो था वो लोड नहीं हुआ था, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ मेरा टास्क सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी पेंडिंग में ही है, क्योंकि मेरा ऐड जो है वो लोड पूरा नहीं हुआ था। तो फिर से मैं टैप करके दिखा देता हूँ, अब इस बार मैं बैनर ऐड पे क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। तो बैनर ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 20 सेकंड वेट कर लेता हूँ। इस बार देखिए मेरा ऐड पूरा लोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं 20 सेकंड वेट कर लेता हूँ, इस बार मेरा गारंटी सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो को स्किप कर लेता हूँ, उसके बाद बैक जाके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरे 20 सेकंड हो चुके हैं, तो सिंपली मैं बैक जाके देखता हूँ, मेरे को 100% शोर है अभी तो क्लिक मेरा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं बैक जाता हूँ, तो इस बार देखते हैं मेरा क्लिक सक्सेस होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने मेरा ऐड भी पूरा लोड हुआ था, ठीक है। कंपनी ने बोला कि फुल स्क्रीन ऐड पर आपको क्लिक करना है, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। इस बार भी मेरा शायद नहीं हुआ है दोस्तों, तो सिंपली मैं बैक जाके वॉलेट में देखता हूँ कि मेरा पैसा ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे को मेरा मिल चुका है, यहाँ पर मेरा क्लिक तो सक्सेस हो चुका है। अभी मैं जाके टास्क 1 में जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग में दिखला रहा है, लेकिन मेरा टास्क जो है वो सक्सेस हो चुका है। तो मैं एप्लीकेशन को रिमूव करके ओपन करता हूँ, मेरा टास्क तो मेरा सक्सेस हो चुका है, मेरे को 1.3 रुपीज मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी वो रिमेनिंग क्लिक में ही दिखला रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखला रहा है पता नहीं, ठीक है। शायद मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, तो सिंपली मैं फिर से एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने फिर से एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, इस बार जाता हूँ टास्क में। टास्क में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टास्क 1 सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप भी क्या करिए, अगर आपको रिमेनिंग क्लिक 1 ही दिखाएगा तो आप क्या करिए, एप्लीकेशन को बैक करके फिर से ओपन कीजिए, आपका टास्क सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 टास्क कंप्लीट किया, तो मेरे को 1.3 रुपीज मिल गया। तो अगर आप 6 टास्क कंप्लीट करोगे तो आराम से आपको 7 रुपये से 8 रुपये हो जाएगा इनकम। और बात करते हैं दोस्तों टास्क मतलब इंस्टॉल वाला ऐड आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं सारा जो ऐड आ रहा है वो वेबसाइट का ऐड आ रहा है, तो आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा, वो ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको इंस्टॉल वाला ऐड आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको इंस्टॉल वाला ऐड आने के लिए आपको क्या करना है, 2 तरीके बताता हूँ। एक तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो बैनर ऐड दिख रहा है उस पर आपको जो लास्ट में जो यहाँ पर ब्लू कलर का जो आइकॉन दिख रहा है इनटू मार्क, उस पर आपको क्लिक कर देना है,
ठीक है, अभी तो ये ऐड लोड हो रहा है, ठीक है, तो सिंपली दिखा देता हूँ आपको, इनटू मार्क पे क्लिक करना है, ठीक है, इनटू मार्क पे क्लिक करने के बाद स्टॉप सीइंग दिस ऐड पे आपको क्लिक कर देना है, स्टॉप सीइंग दिस ऐड पे आपको क्लिक करने के बाद आपको नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऐप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हैं, ऐसे ही कीजिए बहुत बार तो आपको देख सकते हैं वेबसाइट का ऐड आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक ट्रिक दिखाऊंगा, और एक ट्रिक क्या है पता है आपको, सिंपली आपको सेटिंग्स में चले जाना है, आपके मोबाइल के जो सेटिंग्स रहता है उस पर आपको चले जाना है। तो सिंपली आपने सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने सेटिंग्स में आ चुका हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गूगल का ऑप्शन है, गूगल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गूगल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं एड्स करके, एड्स करके एक ऑप्शन दिख रहा है, एड्स पे आपको क्लिक करना है। एड्स पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसे करके आपको 5-6 बार कर लेना है रीसेट आईडी, यहाँ पर देख सकते हैं मैं 5 बार कर लेता हूँ, बार बार करना है दोस्तों जब तक आपको इंस्टॉल वाला ऐड नहीं आता है। इससे क्या होता है पता है, रीसेट आप जब करोगे ना जो पुराना वाला ऐड यूनिट आईडी है वो चले जाएगा, नया ऐड यूनिट आएगा, वो नया ऐड यूनिट इंस्टॉल वाला ऐड भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सिंपली बैक कर लेता हूँ, इंस्टॉल वाला ऐड भी गारंटी आएगा, ठीक है। मैं ज्यादातर मेरे एप्लीकेशन में इंस्टॉल वाला आईडी आता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में न्यू है तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर वेबसाइट का ऐड आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इस बार कौन सा ऐड आता है, देखता हूँ। तो दोस्तों अभी भी मेरे को ये इंस्टॉल वाला ऐड नहीं आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको इंस्टॉल वाला ऐड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्राई करते रहिए, गारंटी आपको इंस्टॉल वाला ऐड आ जाएगा, ठीक है। जब तक आपको इंस्टॉल वाला ऐड नहीं आता है तो आपको इंस्टॉल वाला ऐड आने के लिए आपको ट्राई करते रहना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में वर्क करिए दोस्तों, जैसे ही एप्लीकेशन ओल्ड हो जाएगा तो एप्लीकेशन में ऐड आना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इंस्टॉल वाला ऐड भी आने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो सुबह मैंने एप्लीकेशन डाला था, इस एप्लीकेशन में भी वर्क करिए, पेमेंट 100% मिलेगा दोस्तों, जो जो एप्लीकेशन दे रहा हूँ वर्क करिए और 100% पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।